हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियोस में जितने भी कश्मीर के व्लॉग बने हैं उसमें आपने देखा था एयरपोर्ट का ट्रिप, इसके अलावा जो हमने श्रीनगर लोकल विजिट किया था, और लास्टली आपने देखा था कि किस तरीके से हमने शिकारा एक्सप्लोर किया था, हम शिकारा में घूम रहे थे। तो आज यानी कि कश्मीर के तीसरे दिन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से पहलगाम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब आप कश्मीर आते हो ना, तो यहाँ के लोग आपको यही सजेस्ट करते हैं कि पहलगाम और गुलमर्ग, ये दोनों बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए, और यहीं पे आपका सफ़र यादगार होता है। तो आज हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आज पहलगाम की तरफ निकला जाए। तो बस फिर क्या था, हम निकल चले पहलगाम की ओर। पहलगाम जाने के रास्तों में जितनी खूबसूरत वादियाँ हमें दिखाई दी, यकीन मानिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आपके दोनों तरफ, यानी कि जब आप कार से जाते हो तो आपके दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पहाड़ और उस पर बर्फ़ आपको दिखता है। घरों के ऊपर भी बर्फ़ की चादरें दिखती है, वहाँ के लोग दिखते हैं जो काम कर रहे होते हैं, अपने शॉप्स चला रहे होते हैं। तो ये वाकई काफ़ी अलग और रोमांचित कर देने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि पहाड़ों की लाइफ बहुत अलग होती है और वहाँ की लाइफ हमारे लाइफ से काफ़ी अलग भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें रास्ते में देखने को मिल रही थी। बस इसी रास्तों का मज़ा लेते हुए हम पहुँच गए पहलगाम की ओर। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पहलगाम में एक्सप्लोर किया, और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और किन चीज़ों को आपको ज़रूर करना चाहिए पहलगाम में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, यानी कि फीवर ट्रैवल, नाम नोट कर लीजिए दोस्तों, फीवर ट्रैवल, क्योंकि इसी चैनल पे आपको हमारा व्लॉग मिलेगा और हम जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर या फिर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम पहलगाम पहुँचे, वहाँ से हमने अपने सफ़र की शुरुआत की, क्योंकि पहलगाम के ऊपरी छोर तक जाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है घोड़े की। जी हाँ, लेकिन घोड़े की सफ़र से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने का ज़रूरत है, क्योंकि पैसे को लेकर, यानी कि जब आप घोड़े बुक करते हो उस पैसे को लेकर आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो अगर आप बहुत अच्छे हो नेगोशिएशन में तो आपको काफ़ी अच्छे प्राइजेस में घोड़े मिलेंगे। अगर आप अच्छे नहीं हो नेगोशिएशन में, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, तो फिर आप अपने पार्टनर या फिर जो आपके साथ गया है उसको कहिए वो नेगोशिएट करे, नहीं तो आपको ये सफ़र काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो हम आ चुके हैं पहलगाम में। यहाँ का नज़ारा देख के बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था, और मैं बस एक्साइटेड थी कि किस तरीके से मैं ऊपर जाऊँगी और यहाँ की चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करूँगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक घोड़ा लेंगे और सर्वेश मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि हमें फुटेजेस भी बनानी थी और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना था, हर एक स्टेप बाय स्टेप। तो सर्वेश ने डिसाइड किया कि वो पैदल चलेंगे मेरे साथ पहलगाम की तरफ। तो घोड़े की लगाम पकड़े हुए हैं और साथ में मैं चल रहा हूँ। थोड़ा सा पहाड़ टफ है, लेकिन उत्तराखंड में मैंने बहुत यात्राएं की हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं कहूँगा, क्योंकि जो नज़ारा है और जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, अगर मैं इस पे बोल यहाँ पर फोटो ले जाऊँ कहाँ पे? वैसे मैं आपको बता दूं कि पैदल जाना बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर आपको ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस है तभी आप पैदल जा सकते हो, वरना यहाँ पे पैदल चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। कहीं अचानक से आपको गड्ढे मिल जाएंगे, कहीं अचानक से बर्फ़ की पूरी फिसलन मिल जाएगी। तो अगर आप आदतन हो ट्रैकिंग के, तब आप ये कदम उठाइएगा, क्योंकि आपको 6 किलोमीटर पैदल ऊपर जाना है और वापस 6 किलोमीटर पैदल नीचे की ओर आना है। यहाँ के घोड़े वालों की काफ़ी मनमानी चलती है। हर घोड़े वाला एक रेट लिस्ट और कुछ फ़ोटो लगा कर रखता है और बताता है कि हम आपको इन जगहों पर लेकर जाएंगे, जिसमें वह आपको 8 जगह दिखाएगा और बोलेगा कि केवल आप 6 जगह जा सकते हैं, क्योंकि बाकी 2 जगहें बंद हैं। अगर आप बर्फ़ में जाते हैं तो कहा जाएगा कि बर्फ़ के कारण बंद है, और अगर आप गर्मी में जाएंगे तो उसके दूसरे कारण हो जाते हैं। खैर, हमसे भी 4 जगहों का 4800 रुपया मांगा गया, लेकिन हमने नेगोशिएट कराते कराते 1800 में एक आदमी का फिक्स किया। दोस्तों, रास्ता वाकई बहुत ज़्यादा टफ था। जैसे जैसे हम लोग ऊँचाई पर बढ़ रहे थे, बर्फ़ बढ़ती जा रही थी, साथ में ठंड बहुत होने की वजह से ऑक्सीजन की भी कमी हो रही थी। खैर, हमने ठान लिया था तो ऊपर तक तो जाना ही था, क्योंकि हमने एक घोड़ा लिया था, 2 घोड़ा नहीं लिया था, इसीलिए घोड़े वाले ने हमें ज़्यादा थकाने के लिए उल्टा रूट ले लिया था, जो कि और भी ज़्यादा टफ हो गया था। जिस तरफ से हम लोग जा रहे थे उधर से लोग उतर रहे थे। हम थोड़ी ही दूर ऊपर की ओर गए थे तो उसने कहा कि साहब ये पहला पॉइंट है,
और वो पॉइंट थी राजा हरि सिंह की। गुलाम भाई ये कौन सी जगह है? टैबियन पॉइंट जो महाराजा हरि सिंह यहाँ का राजा था ना, हाँ, उसने शिकार खेला एक तीर से दो शिकार। अच्छा ये पहला पॉइंट है। हाँ, हरण और शेर का ओके जमाने में एक ही साथ दोनों को मार दिया। हाँ, वो उसका यही कुटी है ये वाला है ना, ये झोपड़ी है उसका जो दिख रहा है। हाँ, आप जो झोपड़ी देख रहे हैं नीचे इसमें घर है और इसमें वो जिस महाराजा की बात हो रही है उनकी बात हो रही है। एक तीर से दो शिकार। और गुलाम भाई बता रहे हैं कि वो पुराने जमाने में एक तीर से उन्होंने दो शिकार किया था। एक था कैसा एक्सपीरियंस है यार? बहुत मजा आ रहा है। और ये हरि सिंह के बारे में सुना जाता था, मैं सुनती थी, और उनका आज झोपड़ी भी मैंने देखा, ये भी बहुत एक नया एक्सपीरियंस है। डैबियान और पहलगाम में ये है। और यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी बच्ची है जो हाथ में खरगोश है आपके। हाँ। अच्छा ये आपने पाला है? हाँ। अच्छा तो ये यहाँ पे क्या खाता है? सब कुछ। ऊपर में क्या है? बंदर, बंदर, बंदर। अच्छा बंदर है ये। हाँ। नुकसान पहुँचाते है लोगों को? खाता है ना ये चावल वाल घर में घुस जाते हैं आजकल। अच्छा ये नजारा के बारे में क्या कहते हैं? चीड़ का पेड़ आपने कभी देखा है? ये चीड़ देवदार है, माफ कीजिएगा। अच्छा, ये देवदार है। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ और काफी सुंदर पेड़ है ये। जब हमने घोड़े वाले से बात की कि भैया बाकी के स्थान कहाँ हैं, तो बोला कि पहले उस स्थान पर चलते हैं जहाँ मिनी स्विट्जरलैंड है, जब लौटेंगे तब बाकी का दिखाएंगे। मरता क्या ना करता। उसके कहने के अकॉर्डिंग हम चलते रहे। खैर 6 किलोमीटर ऊपर जब हम पहुंचे तो एक खूबसूरत सा मैदान दिखा जहाँ बहुत से लोग थे। सचमुच अगर कहीं जन्नत है तो बस यही है। ये नज़ारा देखिए। और मैं ये नज़ारे के बारे में बोलने से पहले ये बता दूं कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये वाकई में, इसे मिनी स्विट्जरलैंड वैसे कहा जाता है जो कि पहलगाम में है, लेकिन ये वाकई में मिनी स्विट्जरलैंड है जहाँ पे ये सचमुच किसी कपल के लिए एक रोमांटिक सीन हो सकता है, कोई फैमिली आया है उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्लेस हो सकता है घूमने के लिए। और इस जगह पे जो आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पे स्लेजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे स्केटिंग भी है, फोटोज खिंचवा रहे हैं, रैबिट्स है, और तरह तरह के लोग आपको यहाँ पे अलग तरीके के एक्साइटमेंट से भरे हुए दिख रहे होंगे। आप देख सकते हैं कैसे लोग स्लेजिंग पे निकल रहे हैं और उसे लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड है। दोस्तों इस समय हम लोग पहलगाम में हैं। पहलगाम वो जगह जब लोग कश्मीर आते हैं तो एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां इसकी हाइट पर आने के लिए आपको घोड़े की सवारी करनी पड़ती है। ट्रैक थोड़ा खतरनाक है और जो बर्फ़ आपको हमारे पीछे दिख रही है यही बर्फ पूरे ट्रैक पे होती है। जैसा कि आप विजुअल में देख पाएंगे कि मैं पैदल चल रहा था, मैं इसलिए पैदल आया कि मैं देखना चाहता था कि ये ट्रैक किस तरह का है, क्यों लोग कहते हैं खतरनाक है। वहीं एकता घुड़सवारी करते हुए आई हैं, आप देखेंगे कि घोड़े पर ये आ रही हैं। और जब हम इस प्लेस पे पहुँचे, इससे पहले भी 4 डेस्टिनेशन है, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा सा मैदान है जहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ तमाम ऐसे गेम हैं जो खेल सकते हैं। तथा ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से ज़ुबान लड़खड़ा रही है। और उसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो कपल्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा मस्ती करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ऐसा डेस्टिनेशन होता है जहाँ फ्रीली वो कुछ भी कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा कि इस ये जो मैदान है उसके चारों तरफ ना काफ़ी हाइट है, मतलब ये जो पहाड़ है बहुत ऊँचे ऊँचे हैं, उनके बीच में ये मैदान बना हुआ है। और जब ये बर्फ़ से ढक जाता है तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। उमूमन आपने देखा होगा कि लोग ऐसे जाते हैं और ये बर्फ छालते हैं और वही हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आप कश्मीर आते हैं तो पहलगाम जरूर आइए। अगर आप ये सोचते हैं कि थोड़ी सी वजह से हम छोड़ दें उसको और नीचे से लौट जाएं तो शायद आप एक बहुत खूबसूरत वादी मिस कर देंगे। है क्या क्या है वहाँ जो मिनी स्विट्जरलैंड है उधर जो भी कोई पिक्चर वहाँ पर बना, खून पसीना बना, रोटी बना, जलजला बना, कर्मा बना, बजरंगी भाईजान बना। ओके उधर सनी देओल आता था, गोविंदा आता था, धर्मेंद्र आता था। ओके उसका नाम भाई सरन पुराने जमाने में था, अभी जब वो आया ना सलमान खान फिर मिनी स्विट्जरलैंड नाम किया। ओके और वो वहाँ कब कब लोग आते हैं? हमेशा हमेशा उधर आते हैं लोग। कब भीड़ ज़्यादा होती है? बस मार्च से भीड़ लगी कोई, आजकल भी भीड़ रहते हैं। ओके अभी थोड़ा ठंड है इसलिए ठंड की वजह से काम कम लोग आते हैं। ओके अब हमारे चलने की बारी थी तो हमने सोचा कि 2 डेस्टिनेशन तो हमने देख लिया है, अब और 4 देखते हैं कि बाकी क्या है। लेकिन ये क्या हुआ, आते समय यात्रा कब बदल गई पता ही नहीं चला। हम लोग थोड़ी ही दूर चले और उसने बताया कि सर देखिए एक और जगह है और वो जगह आप भी देखिए क्या है। शंकराचार्य का मंदिर इसके पीछे आता है। इसको क्या बोलते हैं? कश्मीर वैली बोलते हैं इसको। पूरा इसके बारे में बताइए। हाँ, ये कश्मीर वैली आता है जो इसके पीछे ना शंकराचार्य का मंदिर आता है।
यहाँ से खानबदोश लोग जाते हैं, जो जून जुलाई में भेड़ बकरी वाले हैं ना, पूरा टॉप पर बैठते हैं। ओके, अब इसके बाद भी कोई पॉइंट पड़ेगा? इसके बाद हो रहेगा धनावेली। ओके, अगर बुद्ध भी जाएगा लेके जाएगा। ओके, उसने आगे बताया कि यहाँ पे अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती है और तब तक हम लोग काफी थक चुके थे। आगे जब हमने पूछा कि भाई चलो चार डेस्टिनेशन तो हो गई, अब दो और बताओ, तो उसने कहा कि सर आपको उसके लिए दूसरे ट्रैक पे जाना होगा। हम समझ चुके थे कि भाई हमको चूना लग चुका है। खैर, वादियों का सफर अच्छा था, पर बर्फी बर्फ होने की वजह से बहुत कुछ देखने को नहीं मिला, सारा नज़ारा एक ही जैसा दिख रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम नीचे ही अब चल दें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।